नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरा दधतं मृतघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराड्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमस्कार सभी वैद्यों को। पंच भौतिक चिकित्सा सीरीज में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं देख रहा हूं इसकी पंच भौतिक चिकित्सा सीरीज की ये सातवां या आठवां लेक्चर सीरीज चल रहा है और अभी जो इस सत्र को मॉडरेट करते हैं वैद्य अरविंद पाठक जी वो अभी कहीं रास्ते में है। मुझे उम्मीद है कि 5 से 7 मिनट के अंदर वो ज्वाइन कर लेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये पंच भौतिक चिकित्सा है, ये जो चिकित्सा है ये वैदिक चिकित्सा विद्या के अंतर्गत जुड़ती है। एक संदर्भ है अथर्ववेद का, अगर आप गौर से देखें तो ये अथर्ववेद का संदर्भ पंच भौतिक चिकित्सा के बारे में आपको जानकारी स्पष्ट करता है। ये संदर्भ है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये संदर्भ अथर्ववेद के आप अथर्ववेद को अगर आप पढ़ें तो अथर्ववेद में 4 प्रकार की विद्याओं का वर्णन आता है। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जो भी लेक्चर्स होते हैं उनमें ये बात लगातार पढ़ाता हूँ, बताता भी हूँ। ये एक सूत्र है, अगर आप गौर से इस सूत्र पर देखें तो इस सूत्र में पंच भौतिक चिकित्सा जैसी विद्या का वर्णन समाहित होता है। अथर्विणी आंगिरेसी देवी मनुष्यजा युता, ये एक संदर्भ है जिसमें बताया गया है कि 4 प्रकार की विद्याएं जो है वो हैं अथर्विणी आंगिरसी दैवी और मनुष्यजा। अगर आप इनमें से अथर्विणी को देखें, अथर्विणी जो विद्या है ये मानसिक रोगों की चिकित्सा में इसका वर्णन आता है, यानी कि जो मेंटल काउंसलिंग है या मेंटल हीलिंग है वो अथर्विणी के अंदर आती है। संदर्भ अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें, अथर्विणी आंगिरसी देवी मनुष्यजाय उता औषधया प्रजायन्ते यदा त्वं प्राणं जिन्वसी। अथर्ववेद 11वां अध्याय 4थे रेफरेंस का 16वां सूत्र है जो ये बताता है कि अथर्विणी का अर्थ मानसिक चिकित्सा, आंगिरसी का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के अंगों को उसके अंगों के द्वारा ठीक करना, और तीसरा जो है दैवी, दैवी चिकित्सा जो है उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो पंच भौतिक चिकित्सा का वर्णन है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इन पंच महाभूतों से दी जाने वाली चिकित्सा दैवी चिकित्सा के अंतर्गत आती है, और जो चौथी चिकित्सा है मनुष्यजायता, मनुष्य के द्वारा डेवलप की गई, यानी जो मनुष्यजा है जिसमें कि आप अभी के वर्तमान जो भी आप सर्जिकल प्रोसेस देखते हैं, जो भी कल्पनाएं देखते हैं, सारे मनुष्यों के द्वारा डेवलप की गई है। लेकिन जो दैवी चिकित्सा है अथर्विणी है आंगिरेसी है ये सारे ह्यूमन मेडेड नहीं है, तो उसके अंतर्गत दैवी चिकित्सा में ये पंच भौतिक चिकित्सा आती है जिसकी प्रैक्टिस आज भी वैद्य दातार शास्त्री की परंपरा के वैद्य करते हैं, जिनमें आप लगातार जो है अभी अम्ल
और अम्लधर्मी और क्षार धर्मी चिकित्सा सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं, जो वैद्य अरविंद पाठक इसको कंटिन्यू करेंगे और ज्यादा आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि आपके इसमें आपको कुछ बताना हो, अभी तक जो भी लेक्चर आपने अटेंड किए हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करनी हो तो आप चर्चा कर सकते हैं। जी सरोज मिश्रा जी, आप काफी एक्टिव रहते हैं, बताइए आप कुछ बताना चाहते हैं। सर प्रणाम। प्रणाम जी। इसमें आजकल अम्लधर्मी और क्षारधर्मी का कॉन्सेप्ट चल रहा है और पंचभौतिक चिकित्सा में जैसा कि हम लोग पहले से ही चर्चा करते आए हैं कि हम लोग महाभूतों के आधार पे चिकित्सा करते हैं यहाँ पे, कि कौन सा महाभूत हमारा बढ़ा हुआ है या कौन सा घटा हुआ है, तो घटे हुए को बढ़ाना, बढ़े हुए को घटाना। उसके लिए एक हम लोग तराजू वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि तराजू का जो बीच का कांटा है उसको हम अग्नि महाभूत से कंपेयर करते हैं और एक तरफ का जो पलड़ा है उसको हम जल और पृथ्वी महाभूत से कंपेयर करते हैं, दूसरी तरफ के पलड़े को हम आकाश और वायु महाभूत से कंपेयर करते हैं। तो जहां पे पृथ्वी और जल महाभूत बढ़ जाता है तो उस तरफ का पलड़ा हमारा उस तरफ की तरफ झुक जाता है, तो हम बीच वाले कांटे को बैलेंस करने के लिए आकाश और वायु महाभूत बढ़ा दिया करते हैं। तो ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसमें आकाश और वायु महाभूत दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, तो वो तिक्त रस द्रव्य रहता है जिसमें आकाश और वायु पंचभौतिक संगठन में रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि लंगनम स्वेदनम काले यवागो तिक्त को रसा, तो तिक्त रस प्रधान यवागु का ज्वर वगैरह में भी इंडिकेशन किया गया है क्योंकि वहां पे पृथ्वी और जल महाभूत बढ़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आकाश और वायु महाभूत बढ़ जाएं तो हम पृथ्वी और जल बढ़ाते हैं, तो ऐसा कौन सा द्रव्य है, ऐसा कौन सा रस है जिसमें पृथ्वी जल दोनों एक साथ रहते हैं, तो वो है मधुर रस। तो मधुर रस को देके हम इसको बैलेंस करते हैं। इसी तरीके से हम निकालते हैं अम्ल और क्षारधर्मी प्रकृति, देखते हैं कि अम्ल और क्षारधर्मी प्रकृति किसकी अम्लधर्मी है या किसकी क्षारधर्मी है। तो हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ का कॉन्सेप्ट देखा था कि डेट ऑफ बर्थ में जिसकी फरवरी मार्च अप्रैल मई में जन्म हुआ होगा उसकी अम्लधर्मी प्रकृति, जून जुलाई अगस्त सितंबर में जन्म हुआ होगा उभयधर्मी प्रकृति, इसके अलावा अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी में जन्म हुआ होगा उसकी क्षारधर्मी प्रकृति। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमको कंसीव करने के दूसरे महीने में पहुंचना है जहां पे रक्त धातु का निर्माण हुआ होता है, तो जो रक्त धातु का निर्माण होता है उसी समय प्रकृति का निर्धारण होता है, क्योंकि जो प्रकृति वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं वो परिवर्तन माता के रक्त के माध्यम से शिशु में फील किए जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं जिस समय उसका रक्त का निर्माण हो रहा होता है। तो शुक्र शोणित संयोगे यो भवेद दोष उत्कटम प्रकृति जायते तेन, तो अगर जो वो मौसम जिस समय ये शुक्र शोणित संयोग का दूसरा महीना रहा होगा जिस समय रक्त धातु बनी होगी वो मौसम वर्षा ऋतु का होगा तो प्रकृति अम्लधर्मी होगी, ये मौसम ठंड का होगा उभयधर्मी होगी, ये मौसम गर्मी का होगा प्रकृति क्षारधर्मी होगी। अब एक बार हमने प्रकृति का कॉन्सेप्ट निकाल लिया उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि इसके जो बीमारी है वो कैसी है, क्षारधर्मी बीमारी है कि अम्लधर्मी बीमारी है। राइट साइड की सारी बीमारियां क्षारधर्मी सोची जा सकती हैं क्योंकि उधर लीवर होता है और उधर हम योग शास्त्र के अनुसार भी देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट राइट साइड में जो सूर्य नाड़ी प्रदान होती है तो सूर्य नाड़ी की वजह से उष्णता तीक्ष्णता इधर ज्यादा रहती है, तो अगर किसी को राइट साइड की बीमारियां हो रही हैं तो वो क्षारधर्मी बीमारियां, लेफ्ट साइड में चंद्र नाड़ी रहती है तो उधर की बीमारियां जो रह रही होती हैं वो अम्लधर्मी बीमारियां होती हैं। अब अम्लधर्मी बीमारियों में क्षारधर्मी कल्पों का प्रयोग करते हैं, क्षारधर्मी बीमारियों में अम्लधर्मी कल्पों का प्रयोग करते हैं। क्या क्या कल्प हो सकते हैं जो क्षारधर्मी है या अम्लधर्मी है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे और कारण हो सकते हैं, उसका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन अगर जो वो कोई गर्मी का काम खेत में काम करने वाला लेबर जो धूप में रह रहा है उसमें काम कर रहा है तो उसको क्षारधर्मी बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई ईंट की भट्टी में काम कर रहा है, अग्नि के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वो क्षारधर्मी बीमारियां लेके आएगा, या किसी स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, राजस्थान सौराष्ट्र गुजरात एरिया या वेस्ट इंडीज कंट्री हो गया, केन्या युगांडा अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, तो इन जगहों के लोगों को क्षारधर्मी बीमारियां होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसी के अलावा चेरापूंजी आसाम जहाँ वर्षा ही वर्षा होती रहती है तो वहां के लोगों को अम्लधर्मी बीमारी, या किसी का प्रोफेशन ऐसा है जो कि पानी के ज्यादा नजदीकी रखता है जैसे मंदिर का पुजारी उसको अम्लधर्मी बीमारी ज्यादा होगी।
कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को आम्लधर्मी बीमारी ज्यादा होगी, तो ऐसे लोगों को हम क्षारधर्मी चिकित्सा का उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया बताया सरोज मिश्रा जी। तो वैद्य अरविंद पाठक जी यहाँ पधार चुके हैं, तो वैद्य जी आप होस्ट हैं, अब आप सेशन को कंटिन्यू करिए। जी प्रणाम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं क्षार धर्मी और अम्ल धर्मी के बारे में ना बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को कुछ बात बताऊंगा जो आप लोगों को काम आने वाला है, क्योंकि ना इसी तरह से हमें देखना भी चाहिए अपने पेशेंट में और खान पान में भी हमें देखना चाहिए। मेरा लैपटॉप ऑन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक मैं मोबाइल से बता रहा हूँ, फिर लैपटॉप ऑन हो जाएगा तो आप लोग फिर देख भी सकेंगे जो मैं बता रहा हूँ। अगर ना हम लोग, मैं कुछ कुछ चीज बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, धीरे धीरे बताऊंगा मैं। जब हम लोग ना कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना बनाते टाइम अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो क्षारीयता हो जाते हैं, नमक जो है वो मतलब नमक ज्यादा हो जाता है तो क्षार धर्मीयता बढ़ जाती है उसमें। तो इसमें हमें क्षार धर्मीयता को कम करने के लिए हम लोग नींबू डालते हैं। उसी तरह से तक्र बना रहे हैं, तक्र जो है अगर ज्यादा खट्टा हो जाए मतलब अम्ल धर्मी हो जाए पूरा, तो हम उसको नमक डाल के उसको बैलेंस करते हैं। तो ये हम लोग कॉमन कॉमन देखते हैं, लेकिन इसको डिफाइन क्या है, अप्पा जी ने जो आत्माराम वामन दात्रा शास्त्री जी थे उन्होंने इसको डिफाइन किया अच्छे से कि क्षार धर्मीयता क्या होती है, अम्ल धर्मीयता क्या होती है। इसी तरह से पांच भौतिक चिकित्सा में ये शुरुआत कैसे हुआ, तो जब चरक संहिता में मदात्य चिकित्सा देखा जाए तो उसमें एक श्लोक है, क्षारो ही याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता। चरक संहिता मदात्य चिकित्सा में है कि क्षार को अगर अम्ल का संयोग हो जाए तो माधुर्यता आ जाती है, माधुर्यता मतलब स्टेट ऑफ वेलबींग, बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये आ जाता है। तो इसी पे उन्होंने पूरा पांच भौतिक चिकित्सा पे मनन किया, चिंतन किया, कुछ दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने पूरा ये पांच भौतिक का कॉन्सेप्ट ला दिया। तो जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे, मैं कल जो बताया वो रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो फिर रिपीटेशन होगा, बार बार वही वही होगा। मैं कुछ अलग चीजें बताऊंगा आज आप लोगों को, जैसे कि मद्यपान में अतिरेक हो गया, बहुत ज्यादा मद्य पी लिया है और बॉडी में अम्ल धर्मीयता बढ़ गई है, तो उसको कम करने के लिए क्षार का यूज किया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दातार शास्त्री जी ने पूरा अम्ल क्षार सिद्धांत रखा है। कृपया म्यूट करिए, बाकी लोग बोलते टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज म्यूट करिए, प्लीज म्यूट करिए, नहीं तो सर आप भी म्यूट हो गए हैं। हाँ प्लीज म्यूट करिए सब लोग। हाँ अब हाँ, अगर हम लोग देखेंगे ना तो पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वह अल्कलाइन बॉडी और एसिडिक बॉडी इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो हम लोग ना इसी का, हम लोग अल्कलाइन बॉडी क्या होता है और एसिडिक बॉडी, क्योंकि ये मॉडर्न साइंस भी यही चीज को मान के अभी कर रहा है, लेकिन वो केमिस्ट्री के हिसाब से बोल रहे हैं, हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं। आप लोग आड़ू का सब्जी जो रहता है, मराठी में आड़ू बोलते हैं, अपने नॉर्थ इंडिया में पेचकी बोलते हैं, जो बड़े बड़े पत्ते वाले होते हैं ना, बड़े बड़े पत्ते, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, सरोज मिश्रा जी क्या बोलते हैं आप लोग, आड़ू या पेचकी जो रहता है पत्तों का, वो अगर उसका पकोड़े या सब्जी बना दिया तो मुंह में काटता है वो, या सूरन की सब्जी भी, अरबी अरबी के पत्ते, अरबी के पत्ते जो होते हैं वो क्षार धर्मी होते हैं, या सूरन की सब्जी भी अगर खाए ना डायरेक्ट बिना इमली डाले तो क्षार धर्मी होता है। तो वो ऐसे ही अगर खाएंगे तो वो ना बहुत ज्यादा काटता है, कुछ अजीब तरह का फीलिंग होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। ऐसी बहुत सारी ऐसे मतलब खाद्य पदार्थ है, ऐसे वनस्पतियां हैं जो ऐसे डायरेक्ट खा लिया जाए तो यह क्षार धर्मी होता है, और उसको हम लोग इमली डाल के या कुछ खट्टे वगैरह चीज डाल के और उसको हम साथ में बनाते हैं कि वह शरीर को जीभ ना काटे, ऐसा बनाते हैं। इसी तरह से हम लोग, एक मिनट रुक जाए, मैं ये लैपटॉप भी खोल रहा हूँ, आप लोगों को बताते भी रह रहा हूँ, आप लोग सुनते भी रहे, क्योंकि मैंने ना आज बहुत मेहनत ये सब नोट्स बनाए। इसी तरह से जो चांगेरी है, चांगेरी का सब्जी या अंबाड़ी का सब्जी यहाँ पर बनता है, वो अम्ल धर्मी रहता है, और उसमें हम लोग लहसुन का छौंक डालते हैं, तो लहसुन जो है वो उष्ण है, मतलब अग्नि तेज अग्नि और वायु आकाश ये तत्व प्रधान है लहसुन,
तो उसका छोंक डालते हैं, तो अम्ल को हम लोग क्षार चीज डाल के उसको बैलेंस करते हैं कि वो पाचन के लिए अच्छा हो जाए। उसी तरह से श्रीखंड आप लोगों ने खाया होगा, श्रीखंड जो दही से बनता है बहुत ज्यादा अम्ल धर्मी होता है। अगर श्रीखंड किसी ने ऐसे ही खाया बिना इलायची डाले या बिना कुछ डाले, मीठा डाले और ऐसे ही श्रीखंड खाया, तो बहुत ज्यादा अम्ल धर्मीता बढ़ जाती है, फिर सर्दी जुकाम प्रतिक्षय ये सब बढ़ जाता है। तो इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग शुंठी डालते हैं, इलायची डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो बैलेंस हो जाता है। इसी तरह से नींबू का शरबत है, महाराष्ट्र में नींबू का जो शिकंजी बनता है वह नींबू जो है वो अम्ल धर्मी है, और वो शरबत ही पृथ्वी मतलब आप महाभूत प्रधान है, जलीय है, और वो खट्टा है तो अम्ल धर्मी बोला जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि नमक डालते हैं। नमक डालने का मतलब क्या है कि हम क्षार डालते हैं उसमें, नमक मतलब क्षार। तो अम्ल और क्षार, इससे क्या होता है कि मधुरी भवन हो जाता है शरबत का, माधुर्यता आती है। फिर उसको और बैलेंस करने के लिए कि उसका कोई नुकसान ना हो बॉडी में, इतना नींबू और नमक पियेंगे तो लूज मोशन ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा चीनी भी डाल देते हैं। फिर वो जब हम पीते हैं तो वो दीपन और पाचन का कार्य करता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। ये पूरा पांच भौतिक के हिसाब से मैं इसको एनालिसिस करके आप लोग के सामने प्रकट कर रहा हूं। एक मिनट रुके, हाँ एक मिनट, मैं ये लैपटॉप ऑन कर रहा हूं। आप लोग ने जो भी मैं बता रहा हूं इसको सोचिए, मनन करिए और बताइए। फिर उसी तरह से यहाँ पर ना आमटी बनाया जाता है, दाल का एक पदार्थ बनाया जाता है जो दाल जैसा ही रहता है, लेकिन आमटी बनाते समय उसका क्रम इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या करते हैं कि दाल लेते हैं, दाल को उबाल देते हैं, उसके बाद में आमसूल या कोकम डालते हैं यहाँ पर। आमसूल या कोकम डालते हैं यहाँ पर। एक मिनट रुके, एक मिनट। अभी आपको मेरी आवाज सुनाई देनी होगी। हाँ, मैं जी सर, आमसूल सर, आमसू क्या होता है? कोकम शरबत जैसा एक कोकम प्लांट रहता है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है, या आप लोग आमचूर भी बोल सकते हैं, आमचूर, लेकिन वो आम के बनाया जाता है। मेन बात है कि अम्ल चीज डालना पड़ता है उसमें। फिर ना क्या करते हैं कि वो मिश्रण डालते जाते हैं, दाल क्या होता है क्षारीय होता है, उसको इमली डाल के फिर बनाते हैं, फिर गुड़ डालते हैं। तो इस तरह से वो आमटी जो रहता है ना वो दीपन पाचन काम करता है। अगर दाल को ऐसे ही खाया जाए आमटी बना के बहुत ज्यादा, तो वो पचेगा नहीं। हम लोग बोलते हैं ना कि दाल जो होता है अम्ल विपाकी होता है, दाल खाने से वायु का प्रकोप होता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। जो लोग ज्यादा प्रोटीन खाते हैं उनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। मेरे पास कितने पेशेंट ऐसे आए जो ना नेवी में ऑफिसर थे और वो लोग केवल ये खाते थे, दाल और ब्रेड खाते थे और सिगरेट पीते थे, और रुक्ष आहार विहार की वजह से उनको यूरिक एसिड बढ़ गया और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था। दाल खाना, हाई प्रोटीन डाइट खाना, ये जो रहता है ना ये कॉम्प्लिकेशन। इसीलिए इमली डाल के अगर दाल बनाया जाए तो वह ना बैलेंस कर देता है। इमली डालिए, आमचूर डालिए, नॉर्थ इंडिया का यहाँ पर कोकम या आमसूल ऐसे डाला जाता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का एसिड बेस सॉल्ट, ये कल्पना जो है ये भी एकदम अम्ल धर्मी क्षार धर्मी है, लेकिन सेम नहीं है। एसिड जो रहता है, जो सर ने भी कल बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो तो क्षारीय है, हम लोग एसिड बोलते हैं उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन वो क्षारीय रहता है क्योंकि तो उसमें तेज वायु आकाश तत्व रहते हैं। आगे हम लोग और देखते हैं। एक मिनट डॉक्टर सुनील कुमार जी म्यूट रखिए, मैं एक मिनट सबको म्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, जो लोग बोलना चाहते हैं वही अनम्यूट करिएगा। इसमें सर एक मिनट रुके सर, एक मिनट रुके, क्योंकि क्या होता है ना अनजाने में लोग ना ज्वाइन होते हैं और फिर घर की आवाज आती है। हाँ पवन जी आप बोलिए सर। सर इसमें जो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसको क्षारीय मानेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अम्लीय मानेंगे। उसको बैलेंस करने के लिए उसमें या तो पानी डाले या फिर HCl मिले। जी बराबर। आगे हम लोग देखेंगे कि अम्ल धर्मी जितने भी पदार्थ हैं इस दुनिया में, जितने भी अम्ल धर्मी पदार्थ हैं वह ब्रिहण का कार्य करते हैं।
और जो ये क्षारीय पदार्थ हैं वो कर्षण का कार्य करते हैं। ब्रिहण का कार्य कैसे करते हैं, क्योंकि वह अम्लधर्मी नाम है लेकिन वो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान द्रव्य हैं। और जो क्षारीय धर्मी है वह कैसे हैं कि तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान है तो कर्षण का कार्य करते हैं। अम्लधर्मी जो है पृथ्वी और जल वाले वो दीपन का कार्य करते हैं, भूख बढ़ाते हैं, जैसे कि अनार है, दाड़िम, इमली है, नींबू है, इसका आप खाने में सेवन करेंगे। आप कोई भी चीज खा रहे हैं, दाल चावल वगैरह, उसमें थोड़ा नींबू डाल दीजिए, थोड़ा अनार डाल दीजिए या थोड़ा इमली डाल दीजिए, तो ये अम्लधर्मी पदार्थ ये भूख को बढ़ाते हैं, दीपन का कार्य करते हैं। शशि मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि क्षार धर्मी पदार्थ कर्षण करते हैं, हाँ, तो अभी आपने बोला कि दाल क्षारी है, दाल जो रहता तो है वो, हाँ, इस हिसाब से तो दाल कर्षण वाली हो गई ना। हाँ, लेकिन दाल अगर गाढ़ा गाढ़ा दाल पिए तो पानी पानी नहीं है, विपाक से मत देखिए, विपाक से मत देखिए, वो शरीर में उसमें अग्नि तत्व रहता है दाल में, क्योंकि दाल तो ब्रह्मण में लेते हैं ना हम लोग। आप मॉडर्न साइंस के हिसाब से जा रही हैं, इसलिए गड़बड़ा रही नहीं, आयुर्वेद में भी जब मतलब ताकत के लिए यूज कल्पनाएं जो बनी है उसी लिए तो बनी है ना। देखिए कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो क्षार और अम्ल दोनों होते हैं, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं, उन पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने बस दाल इसमें कंसंट्रेशन का सर बता रहे हैं कि कंसंट्रेटेड है तो वो क्षार का काम करेगी, अगर डाइल्यूटेड है तो वो अम्ल का काम करेगी, सेम ही चीज। कुछ द्रव्य जो होते हैं वो क्षार धर्मी भी होते हैं, अम्ल धर्मी भी होते हैं, किस तरह से बनाया जाए उस पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, बनाने का तरीका सर ने बताया ना कि अगर जो हम दाल को बनाते हैं तो दाल को बनाने में अमचूर वगैरह डालें या इमली वगैरह डालें तो माधुर्य पैदा हो जाए, तो बनाने का तरीका अगर ये रखा जाता है तो दाल का जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो शरीर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अदरवाइज वो क्षारधर्मी बीमारियां पैदा करेगा। और यूरिक एसिड दाल खाने से ही होता है, जो लोग हाई प्रोटीन खाते हैं उनका हेतु दिन भर वो दाल 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 खाते रहते हैं। तो जैसे हम कच्ची इमली की सब्जी बनाते हैं तो उसमें माधुर्य करने के लिए तो गुड़ मिलाते हैं। हाँ बराबर। और जैसे हम ये पेठा सब्जी बनाते हैं, ग्रीन वाला पेठा, उसमें मेथी का छोंक लगाते हैं उसके एक्सारियतों को कम करने के लिए, वो भी बड़ा एक्सारिय हो जाता जी। इसी तरह से हर चीज को देखिए, अपने पारंपरिक जितने भी है, पंजाब का खाना देखिए, साउथ इंडिया का देखिए, यूपी बिहार का देखिए, सब जगह से क्षार और अम्ल, क्षार अम्ल इसको बैलेंस करके बनाया गया है हर देश में, इसको और एनालिसिस करना पड़ेगा। इसी तरह से जो कड़ी का सर मेथी डालते हैं ना, उसमें कड़ी में अगर कड़ी का रहे तो वो ज्यादा अक्सारी हो जाती है, तो मेथी डालने से अमल वाला डाल के उसके बैलेंस करते हैं, बराबर कर लेते हैं उसको। बराबर। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग टेस्ट बढ़ाने घटाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बड़े डीप कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे लोगों ने लिखे हैं, सब बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के सब किया है जी सर। हाँ और बताइए आप लोग कुछ ऐसे चीज। और तो जो जो आपने बताए वो तो हो ही गया, जैसे तक्र का हो गया कि तक्र में हम लोग ज्यादा खट्टा हो जाता है बटर मिल्क, तो उसमें नमक डाल के उसमें माधुर्य पैदा करते हैं। तो घर में खाना बना रहे हैं, नमक ज्यादा हो गया तो उसमें नींबू निचोड़ के माधुर्य पैदा करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग डेली यूज में घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका अम्लधर्मी है। बैंगन का वो भरता बनता है तो वो भी सरसों के तेल में बनता है। हाँ, सरसों का तेल कटु हो गया तो क्षारधर्मी हो गया। हाँ, जो भिंडी है वो भी उसी में बनती है, सरसों के तेल में ही बनती है मतलब। जी जी जी, ऐसे ही मूली वगैरह का भी, जैसे मूली में भी क्षार होता है तो मूली भी क्षारधर्मी हुई, तो उसको भी बनाने के लिए हम लोग उसको सरसों के तेल में ही पकाते हैं, मूली का साग हो गया या मूली हो गई। जो चटनी बनती है हम खाते हैं, पुदीने की चटनी रहती है, वो क्षार होता है उसमें, उसको बैलेंस करने के लिए हम अमल उसमें खटास डालते हैं, जो चटनी जितनी भी चटनी आम कच्चा आम खाते होंगे, कच्चा आम ऐसे खट्टा खट्टा आम को खाया नहीं जाता। हाँ, जी जी जी, खाते हैं तो टेस्टी लगता है। वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही नींबू जब हम लोग डायरेक्ट चूसते हैं ना, तो नींबू वैसे तो खट्टा लगता है, हम लोग नहीं चूस पाते, लेकिन उसको नमक के साथ चूसते हैं तो मीठा मीठा लगता है। जी सर, जो ये गुड़ है ये शार शार में आएगा ना? जी, कुछ कुछ शार में क्यों आएगा? हाँ, क्या गुड़ शार में नहीं आएगा, अमल में आएगा। गुड़ तो मधुर रस है, तो मधुर रस है ना, अमल में आएगा।
अम्लधर्मी आएगा सर, जैसे इमली की चटनी बनाते हैं तो इमली क्षार इमली अम्ल में आएगी, अम्ल में आएगी तो फिर हम गुड़ की गुड़ डालते हैं ना उसमें, थोड़ा क्षारीय गुड़, जब जैसे हम वैतरण भक्ति भी करते हैं तो जो गुड़ होता है उस क्यों डालते हैं, क्योंकि वो शरण करता है आम को कम करता है, तो गुड़ क्षार हुआ। रस के हिसाब से तो अम्लधर्मी लग रहा है, बाकी तो रस के हिसाब से मत सोचिए, उसका प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसे बोलते हैं, गुड़ गर्म होता है ऐसे बोला जाता है, वैसे प्रभाव के अनुसार, प्रभाव के अनुसार ही द्रव्यों का वर्गीकरण किया गया है, तो अगर इसका प्रभाव क्षारीय है तो निश्चित रूप से गुड़ भी क्षारीय हो गया, क्षारधर्मी हो गया। हाँ जी, और आप लोग जब गुड़ बनाते तो थोड़ा सोडा भी तो डाला जाता है आजकल, अच्छा सर निखर जाए इसीलिए। सर पहले तो नहीं डालते थे ना सोडा, तो उस हिसाब से अगर हम सोचे तो सिर्फ महाभूत के हिसाब से ले लें पृथ्वी और आप, तो फिर तो उसमें आप कहाँ रहता है, गुड़ तो गुड़ हो जाता है फिर, वो क्षारीयता है उसमें। ठीक है आगे बढ़ते हैं, और एनालिसिस करिएगा सोचिएगा फिर ना, जो क्षारधर्मी पदार्थ होते हैं जैसे कि अदरक होता है वो क्षारधर्मी होता है क्योंकि उसमें तेज वायु आकाश है, लहसुन है वो क्षारधर्मी है, अजवाइन है वो क्षारधर्मी है, तो ये पाचन का कार्य करते हैं, भूख नहीं बढ़ाते हैं, ये कोई भी अन्न को पचाते हैं, तो अदरक लहसुन अजवाइन, तो ये ध्यान में सारे मसाले जो है वो सारे क्षारधर्मी है, कटु प्रधान जी मैम, उसमें ये देखा ना जो उष्णता तीक्ष्णता पैदा करते हैं वो क्षारधर्मी है, बस इतना मोटा सा ही लग, इसमें मतलब हम तीक्ष्ण और द्रव वो ज्यादा ले रहे हैं ना। हाँ तीक्ष्ण और जो ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं अंदर बॉडी में, हीट, जंगल की आग की तरह, जिसमें आकाश वायु अग्नि महाभूत की प्रधानता है। डॉक्टर पूनम जी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे हम आम्ल और अम्ल धर्मी और क्षार धर्मी को क्या शीत और उष्ण से कर सकते हैं, कि जो शीत गुण वाले हैं वो अम्ल धर्मी है और जो उष्ण गुण वाले हैं वो क्षार धर्मी है, इस तरीके से कर सकते हैं कैसे? बिल्कुल सही है, सही है। पृथ्वी और जल में क्योंकि जैसे सर बताते हैं ना कि वर्षा ऋतु में अम्ल प्रधान जल हो जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी होती है वो बिल्कुल उष्ण हुई होती है ना, और जब उसमें वर्षा की शीतलता मतलब पानी की जो शीतलता आती है उससे उसका हो सकता है कि उसकी शीतलता की वजह से वो उष्ण गुण जो है वो अम्ल में बदल जाता हो, और जब हम पानी को गैस से गर्म करते हैं चूल्हे पे गर्म करते हैं उसमें उष्णता लाते हैं तो वो क्षारधर्मी हो जाता है, मतलब शीतल पानी अम्लधर्मी और उष्ण पानी क्षारधर्मी, तो शीतलता और उष्णता का मतलब कॉन्सेप्ट जो है अम्ल और क्षार में है, इस तरीके से सोचा जा सकता है, पूरी तरह से नहीं सोचा जा सकता है, काफी हद तक सही है आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन हम लोग प्रभाव के आधार पे इसका वर्गीकरण करें तो ज्यादा बेहतर अप्रोच रह सकता है। जैसे आपने अभी बताया कि पृथ्वी में हमारी अग्नि पड़ी, पृथ्वी में अग्नि पड़ी तो वहीं पे अम्लधर्मी था। अभी देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं एक मैडम है, इन्होंने दिया हाथ में लिया है, तो ये होता है थोड़ा सा आग जल रहा है ना तो ये आह्लादन पैदा करता है, दिया जलना, तो ये होता है अम्लधर्मी। इसमें भी तेज महाभूत है, पृथ्वी जल और तेज इसमें भी है, लेकिन ये शीतलता वाला तेज है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा हीट नहीं है। अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ जो क्षारधर्मी क्या होता है, अभी आएगा, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोलिए। सर एक और क्वेश्चन है सर, जैसे सर हम द्रव्यों में लेते हैं ना सर तो उष्ण वीर्य और शीत वीर्य, तो जैसे आप अजवाइन कह रहे हैं क्षारधर्मी है क्योंकि उसका उसका जो वीर्य है वो उष्ण है, इस तरीके से हम द्रव्यों को अगर जैसे आप गुण आप उधर कंफ्यूज मत करिए, महाभूत कौन सा है, अजवाइन में महाभूत कौन सा है, ये महाभूत के हिसाब से सोचें आप, प्रभाव के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से इसका महाभूत, ये पाचन करते इसलिए क्षार है ना अजवाइन। नहीं नहीं सर, जैसे गुड़ को भी आप कह रहे थे ना कि वो उष्णता करता है, उष्णता खिचड़ी मत बनाए नहीं तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ होगा। महाभूत के हिसाब से देखिए अजवाइन में तेज महाभूत है, तेज वायु आकाश, ठीक है सर। और सर फिर गुड़ में कौन से महाभूत होते हैं सर? गुड़ में पृथ्वी नहीं, थोड़ा पृथ्वी देते हैं, अब सोडा डाल के बनाया गया तो फिर वो तो पृथ्वी और जल होगा वैसे तो, लेकिन उसमें क्षार डाल के बनाया जाता है, लेकिन उसका प्रभाव देखेंगे कि जो उसका प्रभाव है गुड़ का
अगर वो क्षारधर्मी कहा गया है तो क्या वो आम्लधर्मी साग कम कर रहा है? अगर ये प्रभाव देता है तो वो क्षारधर्मी है। हाँ, अम्लता कम करता है ना। जी जी, तो ये क्षारधर्मी हो गया। ठीक है, तो हम इसी तरीके से सारे द्रव्यों का वर्गीकरण करते हैं कि उसका जो प्रभाव है वो अपोजिट धर्मिता पे कैसा पड़ रहा है। यदि अपोजिट धर्मिता को, जी अभी आप लोग के स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है कि ऐसे आग जल रही है, आग बहुत ज्यादा आग, ये क्षारधर्मी होता है, ये होलिका दहन की आग। हाँ, ये इस तरह से क्षारधर्मी चीज होते हैं। और जो दिया वाला रहता है वो अम्लधर्मी रहते हैं, तेज दोनों में लेकिन उसमें कम है, वो खुशी देते हैं, और ये रहते भड़का देते पूरा, ऐसे गर्मी देते है पूरा। तो एक को कहते हैं क्षारधर्मी उष्णता और एक को कहते हैं अम्लधर्मी उष्णता। हाँ, और किसी ने पूछा है कि दाल में हम लहसुन कितना डालते हैं? लहसुन तो हम थोड़ा डालते हैं, लेकिन वो पूरा दाल क्षारधर्मी है ऐसा भी नहीं है। कुछ कुछ द्रव्य होते हैं दोनों रहते हैं, क्षारधर्मी भी रहते हैं अम्लधर्मी भी रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग और पढ़ेंगे। हाँ सर, एक आजकल जैसे प्रचलन बहुत हो रहा है कि अल्कलाइन वाटर पीने का, तो वो उसका क्या कंसेप्ट है सर? उसका भी मैं अभी बताऊंगा, पहले आप ये सुनिए, मैं उसका भी अभी बताऊंगा। अभी क्या होता है कि भूमि का विचार हम लोग करते हैं, जब हम भूमि का विचार करते हैं तो भारत को देखते हैं। भारत में दक्षिण भारत की जो जमीन है, जो कोस्टल एरिया है पूरा, वो क्षारधर्मी है। तो वहां पे लोग ना, उन लोगों के इतना बॉडी में क्षार रहता है तो वो लोग चावल ज्यादा खाते हैं, इमली ज्यादा खाते हैं, कोकम शरबत पीते हैं, फर्मेंटेड आइटम खाते हैं, जैसे इडली डोसा ढोकला। ये क्यों खाते हैं? ये अम्लधर्मी चीजें खाते हैं कि बैलेंस करे, माधुर्य भाव लाए, और जिससे इक्विलिब्रियम रहे उनके बॉडी में। उसी तरह से अगर हम लोग पंजाब में देखेंगे, पंच आप मतलब पंजाब, जहां पे पांच नदियां बहती हैं, वहां की भूमि कैसी है? तो अम्लधर्मी है। तो वहां पे गरम मसाले, आप लोग पंजाबी डिश खाई है, वहां पे इतना गरम मसाले खाया जाता है ना, क्षारधर्मी चीजें खाई जाती है। और फिर क्षारधर्मी से भी कुछ तकलीफ ना हो, उसको बैलेंस करने के लिए वहां पे थोड़ा सा अम्लधर्मी, जैसे कि दूध और घी भी खाया जाता है बहुत ज्यादा, कि मसालों से तकलीफ ना हो, बैलेंस करने के लिए। बराबर है क्या? उसी तरह से बोलिए बोलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो। जब भी हम कोई व्यंजन बनाते हैं, इधर पंजाब हरियाणा में दूध और घी जो भी रहता है, ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की कंजम्पशन बहुत ज्यादा रहती है। साउथ में हर चीज में, साउथ में हर चीज में नारियल खाने का विधान है, हर चीज में नारियल डालते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि क्षारधर्मिता बहुत ज्यादा है, तो उसको वो न्यूट्रलाइज या नलीफाई करने के लिए नारियल, जैसे इडली सांभर खाते हैं तो चटनी नारियल की बन गई, हर चीज में नारियल वहां पे पड़ा हुआ होता है। वो सर आप गुण बढ़ाते हैं ना, नारियल जो होता है वो जल प्रधान रहता है, लेकिन नारियल का तेल जो होता है, आकाश महाभूत ज्यादा नहीं होएगा नारियल में? नारियल के तेल में आकाश महाभूत ज्यादा है ना बॉस, लेकिन नारियल में पृथ्वी और जल ज्यादा है, इसलिए अम्लधर्मी हुआ। जी ठीक है। इसी तरह मुंबई पुणे, हाँ बोलिए, मुंबई और पुणे, फिर वो तो मुंबई पुणे गर्म क्षारधर्मी दोनों आता है, यहाँ में ना हम सरसों का तेल खा सकते हैं। हाँ क्या बोलिए? हाँ मतलब बारिश भी रहती है सर, और समुद्र भी पास में है, मतलब दोनों भी चीजें हो रही है मुंबई में। हाँ मतलब सीजनल वेरिएशन हो रहा है ना वहाँ पे, सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन। जी चार महीने इतनी बारिश होती है कि मतलब आप इसे, जैसे मैं तो पहले समझती थी कि ये अनुपदेश है करके, मतलब मुंबई को अनुपदेश करके, पर कोस्टल एरिया भी आ रहा है, कोई कोई जो भाग है ना मुंबई का तो वो समुद्र के पास है, तो अगर इससे देखे तो मतलब क्या बोलेंगे अभी यहाँ पे, जहाँ पे सीजनल वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम प्रकृति का निर्धारण उस हिसाब से करेंगे जैसे जैसे सीजन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम एग्जैक्ट एक क्लियर पिक्चर नहीं बना सकते कि ये क्षारधर्मी है कि अम्लधर्मी है, ठीक है। ऐसे एरियाज को हम एक न्यूट्रलाइज एरिया समझ के डील करते हैं, बट इन केस ऑफ राजस्थान वेयर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, वो क्षारधर्मी है ना, वहां पे घी और दूध इसलिए पिया जाता है, घी अगर नहीं खाएंगे तो स्किन फट जाएगा वहां पे।
और वो जांगल राजस्थान जो सर जांगल देश हुए वो क्षार धर्मी हुए, जो अनूप देश हुए वो अम्ल धर्मी हुए। अम्ल बराबर। धर्मी, एग्जैक्टली यस। अभी देखिए आप लोग डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का, इसलिए डिस्कस करना चाहिए, नहीं तो मैं आऊंगा एक लेक्चर लेके चला जाऊंगा तो फिर ऐसे नहीं होगा। डिस्कस करना चाहिए कभी भी। ऐसे प्रोफेशंस को ही निकाल सकते हैं, जैसे एक मंदिर का पुजारी पानी में काम करता है तो वो अम्लधर्मी बीमारी ज्यादा होने की संभावना लेके आएगा। जी, कोई गोताखोर है पानी में ही गोता लगाएगा तो वो अम्लधर्मी बीमारी लेके आएगा। स्विमर्स हैं वो सब अम्लधर्मी बीमारी लेके आएंगे। इसके अलावा जो मछुआरे हैं अम्लधर्मी बीमारी लेके आएंगे, तो उनका प्रोफेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि व्हाट दे आर डूइंग, है ना। तो इस तरीके से जो क्षारधर्मी बीमारी, एक खेत में एक किसान काम कर रहा है धूप में, वो क्षारधर्मी बीमारी लेके आएगा। ईंट की भट्टी में काम करना, आग के बहुत नजदीक में रह रहा है, वो सुनार है, वो भले ही कम हीट में काम कर रहा है लेकिन थोड़ा बहुत तो हीट रहती है, तो वो क्षारधर्मी बीमारी होने की संभावना वहां पे ज्यादा होती है। ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले क्षारधर्मी बीमारी ज्यादा लेके आएंगे। इसी तरीके से हम लोग और चीजों को भी देख सकते हैं, जो पहले हमारे इंजन चलते थे डीजल इंजन, वो कोयले वाले इंजन चलते थे ट्रेन के, तो वहाँ के जो ड्राइवर और कंडक्टर होते थे टीटी जिन्हें कहते थे, तो वो भी क्षारधर्मी बीमारियों के ज्यादा नजदीकी रखते थे। ऐसी ऐसी चीजें हम और भी सोच सकते हैं कि किसको क्षारधर्मी, बिकॉज ऑफ प्रोफेशन, बिकॉज वेयर दे आर लिविंग, है ना। इन चीजों को सोच सोच के कि ये ऐसी हिस्ट्री हम अपने पेशेंट से प्राप्त करके, या तीसरी चीज प्रकृति निर्धारण कि प्रकृति कैसी है। और सबसे पहले तो कोई भी पेशेंट हमारे सामने आता है, जब अप्रोच करता है तो सबसे पहले हम उसकी बीमारी ही देखेंगे, इसकी कौन सी बीमारी है, क्षारधर्मी है कि अम्लधर्मी। इफ ही हैव क्षारधर्मी बीमारी, तब उसका हेतु पे जाएं कि उसका प्रोफेशन क्या है, वो रह कहाँ रहा है, ठीक है, खान पान कैसा है, इन चीजों पे जाएं, तो वहां से निकल के आता है कि, या प्रकृति कैसी है, तो इन चार चीजों से निकल के आता है कि इसकी ये जो बीमारी क्षारधर्मी या अम्लधर्मी डेवलप हुई उसके पीछे के कारण क्या है। उन कारण का इरेडिकेशन यहां भी चिकित्सा का पहला सिद्धांत है, निदान परिवर्जन, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। जो पढ़ाई करते हैं ज्यादा इंटेलेक्चुअल, उनका क्षारधर्मी, क्षारधर्मी रात्रि जागरण, क्षारधर्मी स्वाप अम्लधर्मी। आप सुनिए, अभी पहले मैं थोड़ा बोलता हूँ फिर आप लोग बोलिए। क्या है ना कि जितने भी अम्लधर्मी व्यंजन है जिसमें बहुत ज्यादा पानी वगैरह रहता है, जैसे सांबर है, दाल है जिसमें पानी बहुत रहता है, तो उसमें हम अदरक, लहसुन, जीरा, मरीच, फिर सौंफ, कड़ी पत्ता, अजवाइन, ये सब डालते हैं तो उसकी अम्लधर्मीयता को हम बैलेंस करते हैं। ये सारे क्षारीय पदार्थ है, मसाले, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, जीरा हो गया, काली मिर्च हो गया, कड़ी पत्ता, अजवाइन, ये सब। इसी तरह से पारंपरिक पदार्थ जो है ना, जैसे कि साउथ इंडिया का जो पारंपरिक खाना है वो उस देश के हिसाब से परफेक्ट है, कि इडली डोसा वगैरह जो है वो वही खाना चाहिए, साउथ इंडिया में ही खाना चाहिए। वह महाराष्ट्र में या पंजाब में लोग खाएंगे तो बीमार पड़ते हैं क्योंकि अम्ल धर्मी है, और वहां पे पंजाब में, दिल्ली में अगर लोग खाएंगे अम्ल में अम्ल तो और बीमारियां होती है, हाइपर एसिडिटी होगा, बीपी का प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ और स्किन प्रॉब्लम होंगे बहुत सारे। तो पारंपरिक खाना जो है वही सबसे श्रेष्ठ है, नहीं तो गड़बड़ होती है, तकलीफ होती है। आजकल अगर हम लोग देखेंगे खाने में, हम लोग ना बहुत ज्यादा अम्लधर्मी पदार्थ ज्यादा खा रहे हैं, जैसे कि सॉसेस, टोमेटो सॉस, जैम, जेली, फर्मेंटेड चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ये बॉडी को एसिडिक बनाते हैं। तो एसिडिक बॉडी जो है, एक तो भूमि भी वैसा है और एसिडिक चीजें भी खा रहे हैं तो और एसिड बढ़ जाता है, जैसे कि टिन का फूड, टिन फूड आता है, फर्मेंटेड फूड आता है, फ्रिज में रखे हुए, बहुत देर तक रखे हुए पदार्थ, ये सब क्या करते हैं, शक्कर ज्यादा खाना, ये अम्ल धर्मता को बढ़ाता है, मतलब ये पृथ्वी और जल ये बॉडी में बढ़ाता है, अम्लीयता बढ़ाता है ये सब। उसी तरह से चीज खाना, पनीर खाना, ये अम्ल धर्मता को बढ़ाता है, बेकरी प्रोडक्ट्स खाना, ये अम्ल धर्मता को बढ़ाता है। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, मतलब पहले का पूछेगा किसी से भी, अपने ग्रंथों में भी देखेगा कि फेस्टिवल में लोग केवल मीठा खाते थे, अगर जैसे दिवाली आए, होली आए, तभी मीठा खाएंगे, नहीं तो मिठाई मिठाई वगैरह नहीं बनता था। आजकल क्या है कि रोज खाओ मिठाई, कभी भी जाओ मिठाई की दुकान पे जाओ, पैसा निकालो और खाओ, तो इससे क्या होता है, अम्ल धर्मता बढ़ रही है। और दूसरा क्या है कि कहीं पर भी खाने गए होटल में या कुछ, तो डेजर्ट्स खाया जाता है, आइसक्रीम, चॉकलेट, फिर लड्डू,
फिर यहाँ पे करंजी खाया जाता है, 12 महीने खाया जा रहा है। इससे क्या होता है, अम्ल धर्मीयता बढ़ती, क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये अजीर्णाशन करता है, मतलब पचता नहीं है और तब भी खाया जा रहा है, और इससे फिर क्या होता है, अम्ल धर्मीयता बढ़ती है। और आयुर्वेद में भी बोलता है कि पित्त प्रकोपक है अजीर्णाशन, भूख ना लगने पर खाना अम्ल धर्मीयता बढ़ाता है, टाइम पास नहीं हो रहा है इसलिए खाते रहो, टीवी देखते रहो, मूवी देखते रहो, खाते रहो, ये अम्ल धर्मता बढ़ा, ये विहारात्मक है अम्ल धर्मता बढ़ाने के लिए। फिर जरूरत से ज्यादा पानी पीना, अत्यंबू पान जो पीना है, जरूरत नहीं है लेकिन एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं पानी पियो, बहुत ज्यादा पानी पियो, 10 से 12 लीटर पानी पी लो, अत्यंबू पानी अम्ल धर्मता बढ़ाता है। इसे अम्ल पित्त जो हुरलास होता है, हाइपर एसिडिटी, जो हुरलास वाला जो पित्त होता है वह बढ़ता है, प्रतिशय बढ़ता है, शिरोगौरव, शिरोजाड्यता, अम्ल धर्मता बीमारी बढ़ती है। फिर पानी में स्विमिंग करना, पानी में काम करना, एसी में कंटिन्यू रहना, कंटिन्यू आप एसी में रहेंगे ना तो आपका, और ज्यादा एसी बढ़ा दिया तो क्या हेडेक होने लगता है, क्यों होता है, ये व्यवहार में अम्ल धर्मता बढ़ाने वाली चीजें हैं। उसी तरह से मांसाहार का सेवन करना, फ्रोजन मांस खाना, नॉनवेज खाना बहुत ज्यादा, जो फ्रोजन नॉनवेज है, तो ये सब क्या होता है, अम्ल धर्मता बढ़ाता है। अभी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, फिर मैं आगे और बढ़ूं। वैसे जो ईस्ट में कल्चर है कि कोई थककर आए तो गुड़ पानी देते हैं या बताशा पानी, इसको कैसे समझेंगे, क्यों दिया जाता है? वो बेस्ट है क्योंकि ना क्षारता बढ़ गई है, वो चल के आया, घूम के आया, धूप में आया, तो क्षार धर्मता बढ़ गई, उसको बैलेंस करने के लिए पानी और शक्कर या मिश्री या गुड़ या बताशा ऐसे दो, तो वो क्या करते हैं, अम्लीयता को बढ़ाते हैं। पानी दे रहे हैं तो ये क्या होता है, अम्लीयता को बढ़ा रहे हैं, पृथ्वी और आपको बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही अपना पंजाब में कल्चर है कि जो मतलब फार्मर्स हैं वो कच्चा प्याज खाते हैं, मतलब रोटी में, मतलब जब धूप में काम करते हैं उसके बाद कच्चे प्याज से खाना खाते हैं, वो तो वो भी मतलब क्षार को बढ़ाने के लिए करते हैं। जी नहीं, लेकिन वो गर्मी में काम करके आए हैं तो वो क्षार धर्मिता तो पहले से ही बड़ी है, प्याज खाएंगे तो और ज्यादा क्षार धर्मी हो जाएगा। सर प्याज में वो नहीं रहेगा, लिक्विड रहेगा तो अमल का बैलेंस नहीं करेगा। हो सकता है लेकिन प्याज ना वो जितने भी रहते हैं वो कच्चा प्याज खुद ही हाथ से ही वो उसको ब्रेक करके उसके साथ मतलब खाते हैं वो। और प्याज तो एक कंद है, पृथ्वी महाभुत्ता नहीं होगा सर, हाथ से देखो उसमें लस्सी पीते कच्चा प्याज खाते दोनों अमल धर्मी हो गए, और अक्सर धूप में काम किया वो अक्सर धर्मी थी, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ा के उसको बैलेंस कर रखा। ऐसे मतलब यहाँ ट्रेंड है, मतलब जो भी रहते हैं ऐसे खेतों में काम करते हैं वो सही है। बस लस्सी तो वो बनती है जो सारी दिहाड़ी दूध कड़ता रहता है सर, और काढ़नी में एक लोहे का पीस रहता है उसमें, उसका भी असर आता रहता माइक्रोन में, बाद में उसको जमा कर और उसमें से मक्खन निकाल कर जो छाछ बनती है वो दूसरे दही वाली वो अलग है, उसका काम वो बहुत बढ़िया है। जी और सर प्याज पृथ्वी महाभूत का नहीं होगा सर? नहीं, जो भी पृथ्वी तत्व थोड़ा है कम ज्यादा चलता है, आप हम दे रहे ना एक तरह से पानी दे रहे हैं, अम्ल धर्मता बढ़ा रहे। नागपुर में आप जो लोग नागपुर के हैं या विदर्भ के हैं वो लोगों ने देखा होगा कि खाने के बाद अजवाइन खाया जाता है, सौंफ खाया जाता है, क्यों खाया जाता है, क्योंकि बॉडी एसिडिक अगर हो गई है बहुत ज्यादा उसको बैलेंस करने के लिए क्षार दिया जाता है। तो उसके लिए क्या पांच भौतिक चिकित्सा में क्या बोला है कि 100 ग्राम अजवाइन लेना है, थोड़ा सा नींबू का रस डाल देना है, थोड़ा सेंधा नमक डालना है और मंद अग्नि पे भून देना है कि नींबू का रस जो है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से, और उसके बाद में बंद डब्बी में रख देना है, और 3 उंगली जो है हमारा तर्जनी मध्यमा और अंगुष्ठ इसमें जितना आता है उतना रोज खाने के बाद चबा के खाएं और उसके बाद गर्म पानी पी लें, तो ये पचाने में मदद करता है, और ये जो क्षार धर्मता है और नींबू डाल के बैलेंस किया है और सेंधा नमक डाल के माधुर्यता, मतलब एक तरफ से क्षार और अम्ल इसको बैलेंस करके जो है ये दीपन भी करता है पाचन भी करता है। इस तरह से नागपुर, आप लोग ने कभी नागपुर के लोगों से बात किया होगा, वो लोग जाते जाते पहले अजवाइन देते हैं, खाने के बाद भी अजवाइन देते हैं। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। उसी तरह से अभी ये सब जो अम्ल धर्मी बॉडी में बढ़ रहा है, अम्लीयता बढ़ रही है, इससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज हो रहा है, कोरोनरी हार्ट ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, ये अम्ल धर्मता के वजह से बढ़ रहा है,
पृथ्वी और आप बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लिपिड बढ़ रहा है, तो इसीलिए उसमें क्षार पीने के लिए बाबा रामदेव भी बोलते हैं कि हार्ट को ठीक रखना है तो लौकी का कच्चा रस पिए, वो क्षार धर्मता रहता है उसमें। उसी तरह से इसका उपाय है कि पारंपरिक खाना खाया जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा आयुर्वेद में बोला है स्निग्ध मशनियात, स्निग्ध अश्नियात मतलब क्या होता है कि वो खाना पचे सुपाच्य हो, गर्म उष्ण मशनियात, इस तरह से खाना खाने के लिए बोल रहे हैं। और जो आयुर्वेद अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये सिर्फ वैद्यक पद्धति ही नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेद को हम करते हैं तो उत्कृष्ट जीवन शैली बताता है हमें, आरोग्यदायक जीवन शैली जो हम बोलते हैं आयुष्य कामीय दीर्घ जीवतीय, तो ये उत्कृष्ट आरोग्यदायक जीवन शैली बताता है, अनेक रोग का उपाय बताता है। केवल खाना पीना हमने बैलेंस कर लिया तो बीमारियां अपने आप निकल जाती हैं। तो कभी भी कोई भी बीमारी को ठीक करना है, कैंसर हुआ, एड्स हुआ, बड़े से बड़ी ऑटोइम्यून डिजीजेज हुए, उसमें केवल आयुर्वेद के नियम से आहार को लिया तब भी सारी बीमारियां चली जाती हैं। इसलिए बोलते हैं ताजा और गर्म खाओ, गर्म गर्म खाओ। अभी मेरे पास रशिया के बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं इंडियन ही होते, वो बोलते हैं कि फ्रिज में रख के एक एक महीने का हम लोग खाना खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, और भारत में हम लोग तीन टाइम गरम गरम खाते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। उसी तरह से वो लोग बोलते हैं कि मॉडर्न साइंस में कि सूप्स लो, सैलेड्स लो, ये आरोग्यदायक नहीं होता है, पारंपरिक पदार्थ ही खाना चाहिए। और जब तक ये होता है ना, मतलब अम्लीयता ना बढ़े बॉडी में, सूप वगैरह लेते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है बॉडी में, मतलब वो अम्लधर्मी गुण बढ़ा देता है सूप ज्यादा लेंगे तो इसलिए क्षारधर्मी उपाय करना चाहिए। तो खाने के पहले चना इतना बड़ा अदरक को लेके चबा के खाएं सेंधा नमक के साथ, भोजन अग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम, ऐसा जो बोला है, क्योंकि थोड़ा सा क्षार अगर ले लेंगे ना तो पच जाएगा पूरा, क्योंकि क्षार द्रव्य जो रहते हैं और सेंधा नमक ऐसे कि वो बैलेंस करे, क्षारता को और न बढ़ाए, इसीलिए वो पाचन भी करेगा और दीपन कार्य भी करेगा, आरोग्य की दृष्टि से उपयोगी रहता है। और किसी किसी को अगर उष्ण पड़ रहा है अदरक तो उसको नहीं खाना चाहिए। उसी तरह से तांबुल भक्षण का बहुत ज्यादा महत्व है पांच भौतिक में। जब तांबुल खाया जाता है, पान का पत्ता, तो उसमें तांबुल का रस देखें तो कषाय है, फिर कटु है, तिक्त रसात्मक होता है। तो अगर हम लोगों ने चूना डाल के खाए या कैथ खदीर डाल के खाए, अजवाइन चबाकर ये खाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऑफिस में गए और वहां पे लाल लाल मुंह नहीं होना चाहिए, तो उसीलिए कैथ को हटा दें और खाने के बाद केवल पान का पत्ता गुलकंद के साथ खाए तो भी बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, वो पूरा बैलेंस कर देगा। उसी तरह से हम लोग आहार में अगर देखते हैं पारंपरिक खाने में हम लोग, तो हम लोग सरसों का प्रयोग करते हैं, सारे क्षार द्रव्य द्रव्य क्यों करते हैं कि अम्लीयता को बैलेंस करना है। तो सरसों, हींग, जीरा, काली मिर्च, कड़ी पत्ता, अजवाइन, लहसुन, अदरक, ये सब क्या करते हैं, अग्नि को समतोल करते हैं, अम्लीयता और क्षारीयता को बैलेंस करते हैं। और अम्ल धर्मी को अगर हमें विहार से अगर बैलेंस करना है तो नियमित व्यायाम करना चाहिए। शरीर के लिए सूर्य प्रकाश का सेवन करें तो अम्लीयता को बैलेंस कर देता है। हवा का सेवन करना चाहिए, मतलब खुली हवा में घूमे, मारुत सेवन, यह भी अम्लीयता को बैलेंस करता है। लेकिन कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, लेकिन स्विमिंग से बेस्ट है कि हवा में घूमना, सूर्य प्रकाश का सेवन करना, तो यह एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन करता है, बैलेंस करता है। अब हम क्षार धर्मीयता बॉडी पे आते हैं। अभी तक मैंने अम्ल धर्मी बोला कि सॉस खा रहे, पानी पी रहे हैं, ये सब। अब अल्कलाइन बॉडी कब हो जाता है, जब बहुत ज्यादा पापड़ खाया जाता है, अचार खाया जाता है, मिर्ची खाया जाता है, कच्चा मिर्ची, लाल मिर्ची, हरा मिर्ची, रेड चिल्ली, ये सब खाया जाता है, बहुत ज्यादा मसाले खाए जाते हैं, ये अहितकर होते हैं, इससे बवासीर और ग्रहणी दुष्टि, अतिसार, ये सब हो जाते हैं, स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं। वेफर्स खाना, कुरकुरे खाना, फिर मिक्सचर खाना, यहाँ महाराष्ट्र में फरसान खाया जाता है बहुत ज्यादा, नमक वाले चीज, ये सब क्या करते हैं कि ये बहुत ज्यादा ना अल्कलिनिटी बढ़ाते हैं बॉडी में, क्योंकि नमक जितना होगा वह बहुत ज्यादा बॉडी में जो उष्ण और तीक्ष्ण गुण वाला पित्त को बढ़ाते हैं, तो उरोदाह, अल्सरेशन, पेप्टिक अल्सर, ड्यूओडेनल अल्सर, ये सब कर देते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये सब कर देते हैं, किडनी स्टोन, ये सब कर देते हैं। तो इसीलिए उसको देखना चाहिए। कुकिंग भी करना है तो 24 घंटे कुकिंग ही मत करिए, भट्टी के पास मत रहिए, वो क्षार धर्मता को बढ़ाता है। जो स्क्रीन पे दिन भर बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करना, मोबाइल दिन भर खेलते रहना, उनकी क्षार धर्मता बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, जो लोग को कंप्यूटर पे काम करना ही पड़ रहा है, मोबाइल देखना ही पड़ रहा है, तो अम्लधर्मी आंवले का शरबत पिए, अम्लधर्मी आंवले का मुरब्बा खाएं, और नींबू का शास्त्रोक्त शरबत पिए, कोकम शरबत पिए,
नारियल पानी पिए, घी खाए, तो क्षार धर्मी को बैलेंस कर देंगे तो मधुरी भवन होके सब स्टेबल हो जाएगा। इतना मैंने बता दिया, अब आप लोग बताइए कुछ। पाठक सर, गुरुजी ने पढ़ाया था आहार और विहार के वजह से ही रोग उत्पन्न होते हैं। इस लाइन को डीपली जितना मर्जी समझते जाएं, जिसका जितना भी अनुभव है, जहाँ भाई दोनों चीज सही कर लो तो रोग मतलब खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग व्यायाम कराते हैं ना, तो व्यायाम एक क्या होता है, बॉडी में क्षार धर्मिता को बैलेंस करता है, मतलब अम्ल धर्मी को कम करता है, बॉडी में पानी पानी क्लेद 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 कम करता है, और क्षार धर्मिता लाता है तो अग्नि प्रदीप्त करता है, तो बॉडी बैलेंस हो जाती है। सर सौंफ किस में आएगा, जैसे नॉर्मली होटल्स में सौंफ और चीनी वो मिश्री में है, क्षार धर्मिता क्योंकि वो पाचक है जी, डाइजेस्टिव है वो, हाँ पाचन का कार्य करता है सौंफ। जितने भी गर्म मसाले है ना, कोई भी मसाले है, सब क्षार धर्मी है। सर एक जो दालों में हल्दी का प्रावधान है वो भी देखो एंटी एलर्जिक है, वो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे जहाँ उन्होंने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ, हम माइक्रोन में रोज हल्दी खा रहे हैं जी। हल्दी जो है ना वो पार्थिव है और आद्र है, मतलब वो अम्ल धर्म जी। आप लोगों को कुछ बोलना है, शशि मैम कुछ हैंड रेज किए, कुछ बोलना है आपको? हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी जो अजवाइन नींबू वाला आपने बताया और नमक वाला, इसमें रेशियो क्या रखना है? 100 ग्राम अजवाइन लेना है, थोड़ा सा नींबू डालना है, क्योंकि अजवाइन क्षार धर्मी है, नींबू टेस्ट तक उतना डालना है। नहीं तो नींबू वही कितना डालना है? एक नींबू 100 ग्राम में काफी है। अच्छा, आपने बनाया कभी सर ये? आप नागपुर में पूछे ना, कंचन मैम वहाँ की है, कंचन जी मैम मेरे पास बना भी हुआ है, मैं उसमें तिल और शौप भी ऐड करती हूँ। तो क्या आप रेशियो जरा बताओ प्लीज। हाँ सर ने एकदम सही बताया, मैं वैसे ही करती हूँ, मैं तीनों चीजों को 100-100 ग्राम लेती हूँ, तो मैं करीब दो नींबू नहीं छोड़ती हूँ उसमें। तो पहले क्या करना, पहले रोस्ट कर लेना अच्छे से तीनों चीजों को, अलग अलग रोस्ट करना है कि एक साथ रोस्ट करना है? अगर आप तीनों चीजें ऐड करना चाहते हो तो तीनों चीजों को अलग अलग रोस्ट करें, या फिर अजवाइन बनाना चाहते हो तो आप खाली अजवाइन ले लीजिए, रोस्ट कर लीजिए, फिर उसमें मैं क्या करती हूँ, नींबू और जो अपना सॉल्ट होता है ना, उन दोनों का मतलब नींबू हम निचोड़ के कटोरी में ले ले और उसमें सॉल्ट डाले, फिर उसका घोल जैसे बना दे, मतलब हाथ से उसको अच्छे से ये करे कि ताकि वो थोड़ा डिसॉल्व हो जाए, फिर जैसे आपका अजवाइन अच्छे से रोस्ट हो जाए ना, तो फिर वो जो गरम कढ़ाई होती है उसी में वो डालना है, और फिर थोड़ा हल्का भूनना है, क्योंकि उसका जो मॉइस्चर है वो फिर से ड्राई होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर आप वैसे ही स्टोर करोगे तो वो खराब हो जाएगा या फिर सॉगी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा फिर जी। अगर आप उसको थोड़ा सा पानी उसका मतलब ये ड्राई हो जाए फिर से, तो वो काफी क्रिस्पी भी लगता है, टेस्टी भी लगता है काफी। उसमें चार चीजें भी मतलब अलसी भी डाल सकते हैं, मैं बहुत बार चार चीजें डालती हूँ, जैसे व्हाइट अपना क्या बोलते हैं, तिल, शौफ, अजवाइन और अलसी। ओके शशि मैम, हाँ जी सर बताइए प्लीज बोलिए। आप अगर कंचन मैम, मंगला मैम, नलिनी मैम ये लोग के घर जाएंगी ना, बीना मैम ये लोग आपको चाय कॉफी नहीं पूछेंगे, ये लोग पहले अजवाइन देंगे कि आप ये खाइए, उसके बाद घर से निकलते टाइम भी ये अजवाइन देंगे खाइए, खाना ही पड़ता है, इतना प्यार से खिलाते हैं लोग। इवन बड़ी शॉप जो होती है ना, बड़ी शॉप, हाँ उसको भी आप वैसे कर सकते हो, मतलब अलग अलग करना चाहो ना तो बड़ी शॉप को भी सेम वैसे आप रोस्ट कर लो, नींबू और जो आज ये नमक वाला घोल है उस पर डाल दो, फिर से थोड़ा हल्का रोस्ट करो और फिर उसको उतार दो। तो मैम आप लोग क्या है, ये ट्रेडिशनल सिस्टम है ना बनाने का? हाँ हाँ मैम, मतलब मोस्ट ऑफ घर में रहता ही है। अच्छा, जैसे मान लो अकेले अजवाइन का बनाते हो या तिल सौंफ अलसी ऐड करते हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है इनके गुणों में? जैसे कि मैम कैसे है कि जैसा क्लाइमेट मतलब यहाँ पे जैसे ऋतु के हिसाब से उसको बनाया जाता है,
जैसे हमको तिल वाला सीजन जो हम जनवरी में बोलते हैं, जैसे कि तिल संक्रांत, तो हम तिल क्यों खाते हैं? क्यों हमको वहां पे हमारी बॉडी में रुक्षता नहीं आनी चाहिए, जो ठंडी की वजह से एक अलग सी रुक्षता होती है। तिल जैसे उष्ण है, स्निग्ध भी है, तो वहां पे हम तिल ऐड करते हैं। जैसे कि हमको बहुत ज्यादा गर्मी वाला सीजन है, वो जहाँ पे अजवाइन नहीं चाहिए बहुत बार, जैसे कि मई का महीना हो गया या फिर अप्रैल का महीना हो गया, तो वहां पे मैं वहाँ जैसे हम शौफ ऐड करेंगे, खाली शौफ, ओनली शौफ ऐड करती हूँ। फिर जैसे कुछ आपको लगता है कि नहीं कुछ न्यूट्रिशियस जाना चाहिए, जैसे अलसी बहुत न्यूट्रिशियस है, सभी चीजें है उसमें, तो फिर उसको अगर ऐड करना है तो आप उसको उसी के साथ ऐड कर दो, सबके साथ। मतलब किसी को घर में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या फिर आप उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करना चाहते हैं, तो ये सब चीजों में अलसी बहुत अच्छा काम करता है। सभी चीजें है, विटामिन ओमेगा 3 से लेके 6 से लेके, मतलब सभी चीजें है उसमें, तो हम उसको वैसे ऐड करते हैं। मतलब पेशेंट को भी बोलती हूँ मैं तो बहुत बार कि अलसी का आप हल्का रोस्ट करके उसको खाइए करके। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। प्रभात जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभात जी सर, मैं सर 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 ये अभी आपने बताया कि पापड़ आचार जो सॉल्टी चीजें हैं इसमें ये सब अम्लधर्मी है और नहीं क्षारधर्मी है। हाँ कोई कंफ्यूजन हुआ सर, नमक वाले चीजें है ना, आचार भले खट्टा लगे लेकिन उसमें जल तत्व थोड़ा है, वो तो क्षार धर्मी है पूरा। हाँ जी सर, ठीक है मैं ऐसा समझा तो कंफ्यूजन हुआ। ठीक है और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। उषा मैम आपको कैसा लगा? पूजा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? पूजा भाव सर मैम नमस्ते सर। सर नमस्ते सर, सर इसका मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, जो आपने अभी अजवाइन और लवन का बताया ना, उसका पांच भौतिक कंसेप्ट ये है सर कि मधुर, यहाँ पे हम जो बोलते है ना मधुर और अम्ल मिला के, सॉरी अम्ल और लवण ये मिला के मधुर अवस्था प्राप्त होती है बॉडी में भी और बाहर भी। तो यहाँ पे हम जो ले रहे हैं ना अजवाइन, इसको हम अम्ल धर्मी कंसिडर, अम्ल में आता है वो अम्ल रस में, प्लस उसमें हम डालेंगे लवण, तो अम्ल और लवण का जो कॉम्बिनेशन मैडम जो बोल रहे थे ना, इसमें अजवाइन में जितना अजवाइन गीला हो उतना ही हम लोग लेमन का जूस डालेंगे, और उसको मतलब आफ्टर भूनने के बाद वो सोप कर लेगा सर, और उसको थोड़ा ड्राई होना है, तो ये यहाँ पे आम्ल और लवण ये दोनों का मिक्सचर होगा, तो ये मधुर अवस्था का फॉर्म होगा वो फूड में। और ये कंपलसरी हम जब बोलते हैं ना खाने के बाद देना है, खाने के बाद देना है, इसका ये रीजन है कि हम जो खाना खाते हैं हमारे आयुर्वेद के हिसाब से भी 3 अवस्थापाक है, मधुर अवस्थापाक, आम्ल अवस्थापाक, कटु अवस्थापाक। तो पहला जो मधुर अवस्थापाक होता है आफ्टर फूड, उसके डाइजेशन के लिए इट विल हेल्प अस, मतलब आम्ल और लवण का मिक्सचर खाएंगे तो उसमें ऑलरेडी माधुर्यता आ जाएगा हम जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे जी, और खाने के आने के बाद का जो पहली अवस्था है वो भी मधुर अवस्था पाके, तो ये खाने के बाद हमको उसको मोटिवेट करता है सर जी। क्या है ना अजवाइन है ना वो दोनों है, अम्ल धर्मी भी है क्षार धर्मी भी है, दीपन भी करता है पाचन भी करता है, दोनों है। अगर वो गीला रहेगा तो फिर वो अम्ल धर्मी रहेगा, अगर सूख जाएगा पूरा तो वो क्षार बन जाएगा। दीपन पाचन दोनों करता है। नमस्कार सर। हाँ जी बताइए उषा मैम कैसा लग रहा है आपको? उषा मैम आपका नेटवर्क सभी हम लोग भी यहाँ गुजरात में करते हैं, मगर उसके अंदर मैं आम की गुठली डालती हूँ, क्योंकि आम की गुठली सुखा के नमक में, ये ग्रीष्म ऋतु में हम लोग ऐसा करते सुखा के वो भी अंदर ऐड करने से क्या एंटीऑक्सीडेंट भी रहता है और पचने में भी। मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल पे कम करता है। बरियाली शरबत भी तो पीते हैं गुजरात में, वो सौंफ का रहता है ना वो भी। हाँ हाँ मैम, हाँ वो मिश्री और बरियाली का जूस वो भी बनाते। एक्चुअल में मैं अभी एक बताऊं मैम, मेरी दादी थी ना, तो हमारे यहाँ फंक्शन जब भी रहता ना, तो पहले तो कहाँ इस ये सब था फ्रिज वगैरह, तो बड़ा सा मटका लेते उसके अंदर जिस दिन फंक्शन है ना उसके अगले दिन पूरा सौफ और सॉरी हूँ मैम खुल तो बेटा सौफ उसके अंदर मिश्री डाल देते और थोड़ा गुलाब की पत्ती वो डाल के पूरा मटकी पूरा ये मिट्टी के अंदर दबा देते पूरा मटका,
और बाद में नेक्स्ट डे वो निकालते, इतना अच्छा टेस्ट में माता ना एकदम, और एकदम ठंडा सा ले रहता, तो गर्मी के सीजन में भी वो बहुत ही अच्छा काम करता था। तो हमारे यहाँ ये बहुत पहले से करते थे, तो ये मुझे याद है। और उसके अंदर हमारे शरबत मैंने पढ़ा था, और उसके बाद मैंने शीत पित्त के रोगी पर अप्लाई किया, वो गायब हो गए। हाँ, ये बरियाली शरबत गुजरात क्योंकि पहले तो इतना सब कोई इतना फ्लेवर नहीं था, तो घर पे ही मम्मी लोग दादी लोग जो भी बनाते हैं, हमारे यहाँ तो अभी भी बनता है, मगर ये मैम ने अभी मुखवास का बनाए बताया ना, मेरे घर में डेली रहता है, और हम खाने के बाद वो पक्का खाते हैं इसके साथ, कभी नागरवेल का पत्ता के साथ मिक्स करके भी खाते हैं, मगर मेरे घर में मैं गुटली अवश्य डालती हूँ, क्योंकि आप देखो गुटली और आंवला खाने के बाद उसमें मधुरता और बढ़ती है। गुटली का भी आप खा के आप पानी पीना, आप एकदम स्वीट जैसा महसूस कर, मधुर उसका विपाक मधुर हो जाता है उसके बाद खाने के बाद, तो ये भी बहुत अच्छा है मैम। और आप वो ऐसे भी खाते हैं अकेला गुटली का जो सूखा हुआ रहता है ना, वो भी ऐसे भी खा सकते हैं। दूसरा उसमें प्रेग्नेंट लेडी रहती है ना, उसको भी आप खिला सकते हो, तो उससे जो नेजिया जैसा होता है ना, वॉमिटिंग सेंसेशन जैसा रहता है, उसमें बहुत फायदा करता है ये भी जी। और वर्षा मैम बोल रही है कि खाने के साथ पापड़ खाना चाहिए, खाना सब चाहिए लेकिन ज्यादा पापड़ नहीं खाना चाहिए, ज्यादा अचार नहीं खाना चाहिए। ना एक आंध्र प्रदेश में भी एक ड्रिंक बनता है, वो भी मैंने पढ़ा था, नीम के जो फूल रहते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में, उसको सिर्फ साल में 3 या 4 दिन खाया जाता है, उसमें ये कच्ची केरी जो अंबी रहती है, कच्ची आम डालकर उसको पकाया जाता है। अगर कोई आंध्र प्रदेश का तो वो ज्यादा बेटर होता है। वो मैम हमारे यहाँ भी करते हैं, रात में भिगो देते हैं, अर्ली मॉर्निंग वो एम्प्टी स्टमक लेते हैं। आप जो बोल रहे हैं ना नीम का पत्ता वाला, अरे नीम का फ्लावर छोटे छोटे रहते हैं, वही बोल रहे हैं ना मैम। हाँ जी जी, उसमें पंच मतलब 5 रस रहते हैं, और वो भी बहुत अच्छा काम करता है स्किन डिजीज, हिमाचल में भी ये करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ ये कॉमन है, सभी गुजराती मोस्टली घर में ये होता होगा, ये उसके फूल जो रहते हैं ना उसको भिगो के फिर अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, वो 5-7 दिन, ज्यादा नहीं लेना चाहिए वो। हाँ, बस तो उसको थोड़े थोड़े बस उस सीजन में लेते हैं, 3-4 बार बस पूरी ईयर में लेते हैं वो। हाँ हाँ, तो उससे वो भी बहुत अच्छा रहता है इसमें। बहुत सारे मैम ऐसे तो कच्ची आम जो रहते हैं उसका भी हम लोग बनाते हैं। हाँ, ये अलग अलग वैरायटी सभी, अभी क्या सभी इंडिया के सभी मिक्स हो गए ना, तो सबका मालूम पड़ता है कि क्या कौन कैसे कर रहा है, तो हम लोगों को भी थोड़ा समझ में आता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। अभी कंचन मैम ने बताया था, उसमें मैंने ऐड किया कि चलो ये हम लोग यहाँ ये ऐसा करते, तो ये भी बहुत अच्छा है मैम। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि 8 बज गए, फिर हम 8:15 बजे फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।